नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। अगर आप सड़कों पर अपने वाहन से जा रहे हैं तो और अगर हेलमेट नहीं लगाए हैं या फिर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खगड़िया के सड़कों पर परिवहन विभाग के तमाम वो पदाधिकारी डटकर उन तमाम जो बगैर सीट बेल्ट लगाए वाहन चला रहे हैं या फिर बगैर हेलमेट की बाइक चला रहे हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त की फाइन ठोकी जा रही है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अभी हमारी जो मौजूदगी है ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH 31 पर है, कि जिस तरह से परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी हैं, DTO साहब हैं, MBI साहब हैं, उसके साथ साथ मोबाइल साहब हैं, इन तमाम पदाधिकारियों के द्वारा वाहन चेकिंग किए जा रहे हैं, हेलमेट के बगैर चलने वाले लोगों पर फाइन किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, हेलमेट लगाना आज फाइन के मद्देनज़र से ना लगाए बल्कि अपनी जीवन की सुरक्षा को लेकर के भी हेलमेट लगाना बेहद ही ज़रूरी है। और हमारे साथ यहाँ पे जो परिवहन विभाग के जितने भी पदाधिकारी हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो ड्राइव चलाए जा रहे हैं कब तक चलेगा और उन लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुन लीजिए। सर, किस बात को लेकर जो है चीज़ें चल रही है, किन किन चीज़ों पर जो है ध्यान दिया जा रहा है? आज शनिवार है, प्रत्येक शनिवार को परिवहन विभाग का निर्देश है कि प्रत्येक शनिवार को आप आए दिन देखते होंगे कि बिना हेलमेट के कारण जो है बहुत सारा जो है बाइकर्स जख्मी होते हैं और जख्मी होकर के जो है आसमिक काल के जाल में समा जाते हैं। तो परिवहन विभाग ने बहुत पूर्व से ये निर्णय लिया था कि जो है प्रत्येक शनिवार को एक ड्राइव चलाया जाए जिसमें ज़्यादा जो है जो हेलमेट सीट बेल्ट और जो है और हेलमेट पर दिया जाए। अगर हेलमेट अगर लगा के हर लोग अगर चले तो कितनी जो है दुर्घटना पे मैं जहाँ तक मेरी समझ है कि अगर हेलमेट का प्रयोग किया जाए तो कम से कम 75% जो है रोड एक्सीडेंट में मरने वाले की संख्या को जो है रोका जा सकता है। और सीट बेल्ट भी आप देखते होंगे कि अक्सर जब मतलब घटनाएं होती है तो सीट बेल्ट नहीं लगने के कारण जो है उस हेड इंजुरी ज़्यादा होता है। तो सीट बेल्ट भी हेड इंजुरी पहुँचाता है और हेलमेट भी हेड इंजुरी पहुँचाता है। और हेड ही एक ऐसा चीज़ है जो मैंने अगर चोट लगने पर जो है सबसे नाजुक अंग होता है और चोट लगने पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, बचना कम उम्मीद रहता है, कम उम्मीद हो जाता है। थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ जो है परिवहन विभाग के पदाधिकारी DTO साहब बात कर रहे थे कि अगर आप हेलमेट ना लगाते हैं तो शायद आप अपने साथ गद्दारी करते हैं और अपने परिवार वालों के साथ आप गद्दारी करते हैं, क्योंकि परिवार वालों का आपके ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद टिकी रहती है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सकुशल आप घर वापस आने की उम्मीद लगाए और आस लगाए घर वाले बैठे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब रोड एक्सीडेंट में अगर आकस्मिक निधन हो जाती है तो परेशानी उठाना पड़ता है परिवार वालों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि आप तो चले जाएंगे लेकिन आपके परिवार वालों का फिर क्या होगा। इसीलिए हेलमेट लगाना बेहद ज़रूरी है और इसके साथ ही साथ सीट बेल्ट भी लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो सिर होता है वो काफ़ी नाजुक जो है हमारे अंग होते हैं, अगर वहाँ पर चोट लगने के बाद बहुत कम चांसेस रह जाते हैं बचने का। ऐसे नहीं तो शरीर के और अन्य भागों में अगर चोटें लगती हैं तो वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए करके आप सावधान हो जाइए सड़कों पर उतरने से पहले। अगर आप बाइक पर चढ़ते हैं तो हेलमेट लगाए बगैर ना चढ़े, और फोर व्हीलर से अगर आप सफ़र करते हैं तो बगैर सीट बेल्ट लगाए ना सफ़र करें। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।